सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं DSSB स्ट्रैटेजी के बारे में। DSSB की एग्जाम डेट कभी भी आ जाएगी एंड 2024 में ही DSSB का एग्जाम होकर है। सब कुछ छोड़ दो, DSSB की जॉब मिल जाएगी ना, तो समझ लेना कि आपने अपनी लाइफ की सक्सेस की एक सीढ़ी पार कर ली। एक वही बोरिंग अलाप में फिर से आपके सामने गाने वाली हूँ, तो प्लीज आप बेयर कर लेना। और जिन लोगों को पता है तो प्लीज वीडियो एक मिनट तक स्किप कर देना। जो एग्जाम है वो दो पार्ट्स में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो आपका होगा वो जनरल सेक्शन होगा, जिसमें 5 सब पार्ट आएंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। और जो पार्ट बी होगा वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, जिसकी 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन इधर भी है, 100 क्वेश्चन इधर भी है। टोटल 2 घंटे का एग्जाम होगा, मतलब यू विल हैव 120 मिनट्स फॉर दीज 200 क्वेश्चंस। और जो एग्जाम आएगा वो लॉकिंग पैटर्न में आएगा, मतलब वो नॉन रिवर्सिबल एग्जाम होगा। पार्ट ए पहले आएगा, उसके 5 सब पार्ट खुलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए आपने सबमिट किया, सेक्शन बी दोबारा नहीं खुलेगा, ठीक है? तो आप रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो जब आपके पास एक सेक्शन खुला है, 20 क्वेश्चन है, आप बस उसी में ही आगे पीछे घूम सकते हो। वंस यू सबमिट दैट 20 क्वेश्चन एंड दैट सेक्शन, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिवर्स। मुश्किल नहीं है, अगर आप सही टेक्निक और सही तरीके को फॉलो करते हैं। तो आज मैं आपसे बस उसी चीज के बारे में बात करना चाहूँ। जो DSSB अपने जितने एग्जाम कंडक्ट करेगा ना, सब दो पार्ट्स में करता है। पार्ट ए जो कि जनरल पार्ट होता है, ऑलमोस्ट हर पोस्ट के लिए सेम है, मतलब द क्वेश्चंस विल रिमेन द सेम फॉर एवरी पोस्ट ऑलमोस्ट। DSSB कहता है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो इसको आप पढ़कर बड़े हुए हो, जो आपका बेस है, जो आपका आधार है, जिसको आपने पीछे छोड़ दिया है, आपको वो सब भी पूरा का पूरा आना चाहिए। ये DSSB का मतलब एक मेन मोटो होता है। पहला पॉइंट है ना, वो मैं यही बोलूंगी कि डोंट इग्नोर द जनरल सेक्शन। जो पूरा खेल है ना DSSB में, वो जनरल सेक्शन का ही है। तो आप DSSB की हॉट सीट पर बैठ चुके हो, राइट? अब आपके आगे एग्जाम खुल चुका है, तो ये ना ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपकी ना, जैसे ही एग्जाम शुरू होगा वो 120 मिनट का जो टाइम का जो प्रेशर कुकर है वो ऊपर चलता रहेगा। और हमारी तीसरी आंख ना उस दिन अपने आप खुल जाएगी। नहीं खुलेगी तो आपको वो खोल के रखनी है, बिकॉज आपको अपनी तीसरी आंख उन 120 मिनट पर रखनी है कि वो कैसे कम हो रहे हैं, किस स्पीड से कम हो रहे हैं, और उस स्पीड क्या उसकी स्पीड हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्पीड के साथ मैच हो रहा है या नहीं। ये हो गई हमारी एक चीज कि इस पे हमें बिल्कुल खास ध्यान रखना है। DSSB क्रैक करने के लिए सिर्फ 3 स्ट्रेटजीज है, सिर्फ 3। सबसे पहला एक्यूरेसी, दूसरा नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। आप बोलते हैं खूब जी भर के अटेम्प्ट करो, ऐसा नहीं करना है। पहले आप समझो जी भर के अटेम्प्ट करने को लोग क्यों बोलते हैं। उसका फंडा ये है, मान लो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है ना, आप ये रहे कि मुझे जो आएगा मैं बस वही करूंगा और मुझे आए ही 100 से कम। उस साइड पे अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, रादर देन आपने इधर तो अटेम्प्ट ही नहीं किया तो मार्क्स कहां से आएंगे। सिर्फ ये ही एक रीजन है बोलने का कि ज्यादा अटेम्प्ट करो, अदरवाइज मैं बोलती हूँ कि अटेम्प्ट करो। आई एम विद दिस पॉइंट, बट ऐसे भी नहीं, मतलब भेड़ चाली भी नहीं करनी है कि आपके सारे मार्क्स कट ही जाए। तो कंसेप्ट्स आपको पढ़ के जाने हैं। तो एक्यूरेसी तभी हो पाएगी जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आपको अपने वो कंसेप्ट्स क्लियर करके जाने हैं और इस चीज पे फोकस करना है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। आप वो ही, मतलब एक्यूरेसी की तरफ आपको जाना है। अगेन ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। नेगेटिव मार्किंग से आप तभी बच पाएंगे जब आपकी एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेसी आपकी कब होगी? जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आप पढ़ के गए होंगे। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट तो समझ लो DSSB का दूसरा मतलब है। फुल फॉर्म बोल जाओ DSSB की, बस ये याद रखो टाइम मैनेजमेंट। DSSB पर जीत उसी की है जिसने समय पर काबू पा लिया है। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत 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 बड़ा रोल प्ले है। DSSB की रणनीति में समय बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप समझ गए, पार्ट ए खुलेगा, पार्ट ए भी 5 सब सेक्शंस में खुलेगा। अब उसमें जो पहला सेक्शन होगा वो कौन सा होगा? रीजनिंग होगा आपका सेक्शन 1। मतलब जब आप एग्जाम शुरू करोगे तो देर आर मतलब हायर चांसेस कि क्वेश्चन ना इसी ही फॉर्मेट में आता है, इसी जो ये सीक्वेंस है इसी ही तरीके से आएगा। सबसे पहले होगा आपका रीजनिंग होगा। रीजनिंग के बाद वो बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट दे देंगे जो कि होगा GK। GK के बाद वो देंगे फिर आपको मैथ्स। मतलब रीजनिंग जब आप करते हो थोड़ा सा वो भी सॉल्विंग ही होता है, राइट? फिर 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करके हटोगे, आप एकदम से दूसरी चीज जो की है GK पे पहुंच जाओगे। GK का सेक्शन आप क्लोज करोगे, फिर आएगा आपका मैथ्स। मैथ्स तो भैया हद टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? मैथ्स के बाद जैसे तैसे आप मैथ्स करके निपटोगे तब आएंगे आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट। मतलब देख रहे हो DSSB कितना ज्यादा चालू है, कितनी ज्यादा स्मार्ट स्ट्रेटजी है उनकी, कि जो इजी सब्जेक्ट थे हमारे जिसमें हम मार्क्स ले सकते थे, जिसके हम मार्क्स खींच सकते थे, वो इसने सबसे नीचे दिया है कि तुम यहां तक टाइम अपना खर्च तो करो, मैं देखता हूं तुम यहां तक टाइम बचा पाते हो या नहीं बचा पाते हो। ये होता है इनका खेल। तो आपको ये चीज, ये ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आपका टाइम मैनेजमेंट काम आने वाला है। अगर आपने
टाइम की रणनीति को समझ लिया तो समझ लो आपने डिटरप्लेस भी जीत लिया। तो आपको यहां पर टाइम कैसे सेव करना है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक और चीज मैं इसके पहले आपको बताती हूँ, लोग बाग मतलब मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े, मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आए कि व्हाट इफ अगर हम इसमें स्कोर ही ना करें, इसको हम छोड़ दे, भाई ऐसा नहीं है, ओवरऑल ही कैलकुलेट होगा। बट इस पार्ट ए में आपको 40 मार्क्स तो लाने ही है। पार्ट ए पे मान लो आप 40 जनरल के लिए और 35 अगर आपकी कोई कैटेगरी है, तो इतना तो आपको स्कोर करना ही करना है। बट बहुत इजी है गाइस, डरो मत। मतलब ये जनरल ए के सेक्शन से ना बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ही आपको एग्जाम दिलाएगा। देखो मैं बताती हूँ कैसे। अब ये जो पार्ट ए के जो ये जो पांच पार्ट है, इसमें जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो है हमारे रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी तो भाई एकदम बढ़िया सब्जेक्ट है ये। तो अपना बिल्कुल एम बना के जाना है कि हिंदी और इंग्लिश के टोटल 40 क्वेश्चंस है ना, तो 40 में से 35 तो मुझको लेकर आने ही आने हैं। और भाई क्यों नहीं आएंगे, संज्ञा सर्वनाम हम क्या बचपन से नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने क्या पढ़ा है। और शुरू में सेम गोज विद इंग्लिश, किसको नहीं पता प्रीपोजिशंस क्या है, टाइम के लिए एट लगाते हैं, डेट के लिए ऑन लगाते हैं, किसको नहीं पता, ये सबको पता, ये सब हम बचपन से पढ़ते आए हैं। प्लस जो एक और अच्छी चीज है कि हिंदी और इंग्लिश में 5 नंबर तो पैसेज के हो जाते हैं। जब तक हम 10th में पहुंचे थे हर इंग्लिश और हिंदी के पेपर में पैसेज आते थे, तो 5 क्वेश्चन तो 5 नंबर तो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में बिल्कुल फ्री के हैं। एक पैसेज आपको दिया होगा उसमें से 5 क्वेश्चन होंगे, 3 उसमें से ढूंढने होंगे, एक ऑपोजिट वर्ड, एक सेम वर्ड, यही 5 क्वेश्चन होने वाले दोनों सब्जेक्ट में। तो इंग्लिश और हिंदी तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ऐसे मार्क्स आपको खींच कर लाने हैं, और उस खींचने में ना आपको इतनी भी मेहनत नहीं लगेगी। तो आप समझिए हिंदी और इंग्लिश के तो आपके नंबर आपको बिल्कुल कमाने ही कमाने हैं। इसके बाद जो मुझे सब्जेक्ट्स लगता है जिसको हम स्कोर कर सकते हैं वो है रीजनिंग। इसमें बस आपको चाहिए प्रैक्टिस। रीजनिंग याद करो आप क्या होती है, रीजनिंग एक पिक्चर दे दी, उसका एक पार्ट निकाल दिया, अब ऑप्शन दे दिए कि इसमें से कौन सा पार्ट होगा। बस आपको रीजनिंग की क्या करनी है, प्रैक्टिस। अगर आप, मैं कहूं आप आज से भी शुरू कर रहे हो, आपके पास 5-6 महीने हैं, अगर आप डेली कुछ नहीं आधा घंटा भी एक एक सब्जेक्ट को दोगे ना, तो भाई मोर देन इनफ है। आधा घंटा आप हिंदी और इंग्लिश का मिलाकर दे दो, आधा घंटा आप रीजनिंग का दे दो, बस इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं इन सब्जेक्ट के लिए। और ये आपको देखो पूरे 100 नंबर दिला रहे हैं, क्या चाहिए मतलब। और बस थोड़ी सी चीजें, थोड़े से टिप्स, ताकि आप कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स ले पाओ, इसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। ये है मेरा मेन मोड। जो भी आपके पास रीजनिंग की बुक है, आप डेली उसमें से 15-20 क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, करके देखिए, है ना, टाइम के साथ कि मैं इसको कितने टाइम में कर पा रहा हूँ। मे बी शुरू में आप 1.5 मिनट में करोगे, फिर 1 मिनट में करोगे, फिर 50 सेकंड में करोगे, फिर 40 सेकंड में करोगे। ये मास्टरी का जो लेवल है ये आपको चाहिए। वो बोलते ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो यही वाली चीज ही DSSB में आपके पास आने वाली है। तो ये और ये हो गए आपके मतलब मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट। अब मैं बात करती हूँ मैथ्स की। जीके का तो नहीं पता होता वो कब क्या से क्या कहाँ से उठा ले। गेम्स में क्वेश्चंस आते हैं, रिवर्स पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ टॉपिक है, एकदम दिमाग चकरा देने वाली चीज होती है जीके। जीके के बाद अगर मैं लूँ मैथ्स में, मैथ्स मुश्किल है कि जब हम छोड़ देते हैं ना चीजें, तो हम छोटी छोटी माइन्यूट कैलकुलेशन भी गलत कर देते हैं। मैं तो कहूंगी कि डेली आप एक टॉपिक ले लो, और मैं तो एक टॉपिक को एक दिन में भी मत करो, एक टॉपिक को आप 2-3 दिन दो, तो भी आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आपकी मैथ्स भी कवर हो जाएगी। आप एक परसेंटेज का ही चैप्टर ले लो और उसको दो दिन दो, तीन दिन दो, एक दिन फॉर्मुलेस पढ़ लिए, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगले दिन फिर से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तरीके से आप करो, धीरे धीरे करो, पेस में करो, आपको पढ़ने में मजा भी आए, है ना, प्लस आपकी प्रिपरेशन भी हो। सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के हम भी बोर हो जाते हैं, प्लस आप ये वाले सब्जेक्ट्स करोगे तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, प्लस जो DSSB में आपको जो ये हेल्प कर रहा है उसका तो कहना ही क्या, है ना। तो मैथ्स भी मुश्किल नहीं है अगर आप अभी से करेंगे तो। वॉट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि आपको एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। देखो कंसिस्टेंसी इज द की, आप सब लोग जानते हैं। अब मैंने आपको बताया कि एग्जाम इसी सीक्वेंस में खुलेगा जहां तक है। अब इसमें ये जो टाइम मैनेजमेंट की चीज आई थी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो 1 घंटा आपको इसमें देना है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, है ना। 1 घंटे में आपको 5 सब्जेक्ट करने, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक है जो एक चीज आपको जाननी चाहिए। देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आपको मार्क्स दिलाएंगे, ये आपका एग्जाम्स क्लियर करवाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जो आपको 1 घंटा दिया हुआ है आप इसी सब्जेक्ट में इतना टाइम लगा ले कि इस सब्जेक्ट में आपके पास टाइम ही नहीं बचे, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल 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 भी नहीं। आप पहले ही सोच लीजिए कि मुझे इन दो सब्जेक्ट्स को 25-30 मिनट देने ही देने हैं, क्योंकि ये आपके 40 नंबर के रिस्पॉन्सिबल है। तो आप बिल्कुल पहले से ही अपना माइंड प्रिपेयर करके जाएंगे, पहले से ही एक अपना टाइम का एक स्केड्यूल बना लेंगे कि मुझे ये वाले सब्जेक्ट इतने टाइम में करने हैं, ये वाले सब्जेक्ट इतने टाइम में करने हैं। कुछ भी हो, चाहे आपका वो सब्जेक्ट कितना ही फेवरेट क्यों ना हो, आपको उस सेट टाइम से ज्यादा, एक मिनट तो दे सकते हो, सेट टाइम से ज्यादा आपको उसमें बैठे नहीं रहना है, ठीक है।
तो आप हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल 25 to 30 minutes देंगे, क्योंकि ये 40 नंबर आपके लिए, मतलब अगर आप टाइम देंगे ना तो आप इसके नंबर ग्रैप कर पाएंगे। देखो टाइम आप दो, टाइम तो सबको ही देना है, बट आपने टाइम दिया, आप समझ गए कि ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है या फिर ये मुझसे नहीं होगा तो उसको छोड़ दो, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये रीजनिंग ले लो, रीजनिंग देखो जीके की बात करते हैं। जीके मैंने आपको बताया कि या तो आपको आएगा या आपको नहीं आएगा, इसमें तुक्के तो भाई मारने का कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं तो कहूंगी 6 अटेम्प्ट कर लो बस, अगर मतलब आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा जीके में, बाकी जितने आ रहे हैं आप उतने मैक्सिमम अटेम्प्ट करो। अब इसके बाद इसमें आपको मैंने बताया 30 से 35 तो आप करिए ही करिए थी, क्योंकि ये तो आपको नंबर दिलाएगा। अगर आप श्योर हैं तो पूछे 40 कीजिए, बट मान लो कुछ टिपिकल आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या होगा, बिल्कुल आउट ऑफ योर माइंड है ना, और आपने बाकी सब अच्छे से अटेम्प्ट किया तो आप 2-4 छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका जीके, ये हो गया ये। इसके बाद बचा रीजनिंग। देखो आपने 25 से 30 मिनट इसको दिए, राइट, इसको दीजिए 5 मिनट। इसके लिए 5 मिनट बहुत है, बहुत है जीके के लिए 5 मिनट। क्वेश्चन पढ़ा या तो आया नहीं आया, आगे बढ़ गए। आज से ज्यादा मुझे स्कोरिंग जो सेक्शन लगता है वो लगता है रीजनिंग। सो 12 से 15 मिनट आप रीजनिंग को दो, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि टाइम दोगे तो इसमें भी आप चीजें प्रोक्योर कर पाओगे। तो इसमें भी आप मतलब अगर आप कर पा रहे हो तो इसमें 15 अटेम्प्ट आप कर सकते हो। आउट ऑफ सिलेबस आ गया कुछ, है ना, नहीं समझ में आ रहा अटपटा सा क्वेश्चन, तो उसको आप छोड़ दो। अगर आप कर पा रहे हो तो इसमें 15 अटेम्प्ट करो और उसको टाइम दो 12 से 15 मिनट। जीके को तो 5 मिनट से ज्यादा भाई देने ही नहीं है बिल्कुल भी। तीसरी आपको ना अपनी और एक्टिवेट कर लेना। के बाद आ जाओ मैथ्स पे। मैथ्स पे अगेन अगर आप पढ़ रहे हो, है ना, फॉर्मुलेज आपको याद हैं और क्वेश्चन आपको देख के लग रहा है कि इसमें ये वाला फॉर्मूला फिट करके मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल लूंगा, तो आप निकालो। बट जो गलती मैथ्स में मतलब मुझे लगता है 70 to 80% लोग करते हैं, वो क्या होते हैं, दिल पे ले लेते हैं, वो ईगो पे ले लेते हैं कि इस क्वेश्चन को तो मैं निकाल के रहूंगा या रहूंगी। और उस चक्कर में ना मैथ्स उन्होंने दिया भी इसलिए इस नंबर पे है, इस चक्कर में हम ये वाले जो हमें 40 नंबर पूरे पूरे दिला सकते हैं इसका हम टाइम कम कर लेते हैं, जो अल्टीमेटली हमें ही डुबाता है, बिकॉज दैट थिंग विल ईट आर टाइम। तो ये आपको नहीं करना है, डोंट लेट देम ईट आर टाइम, आर टाइम इज वेरी 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 प्रीशियस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप मैथ्स करोगे आप क्वेश्चन निकाल के देखो, है ना, अगर आप उसको कर पा रहे हो तो ठीक है, ईगो पे नहीं लेना है कि मैं ये करके रहूंगी मैं करके रहूंगी, क्योंकि ये वाली जब चीज आ जाएगी ना बाकी सब चीज भूल जाओगे, तीसरी आप भी आपकी बंद होने लगेगी, है ना। तो आप और टाइम कम कर दोगे फिर वो अल्टीमेटली आपको ही प्रॉब्लम करेगा। तो आप टाइम लीजिए 10 से 12 मिनट आप इसमें लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, निकल पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकल पा रहे हैं तो आगे बढ़िए। और मैथ्स भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसके टॉपिक्स रिपीटेड ही आते हैं, एलसीएम वाले क्वेश्चंस हो गए, परसेंटेज वाले हो गए, मतलब ये कुछ 10-12 टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें से 10-12 क्वेश्चन तो हर बार आते ही आते हैं। तो आपने अगर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो वाले टॉपिक्स कर लिए मेन में, अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी देख लोगे, उनको सॉल्व कर लोगे, तो भी आप इसमें मुझे लगता है 10 नंबर तो आप एक एवरेज अगर आपने पढ़ाई की है तो भी आप कर लोगे। इसमें आप अपने 10 से 12 क्वेश्चन की उम्मीद रख सकते हो। तो ये होगा आपका इस पार्ट ए के सेक्शन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं पार्ट ए में करने में तो यू विल गेट सक्सेस फॉर श्योर। अगेन जो टाइम मैंने बताया ये मुझे लगता है मतलब व्हाट आई फील इज परफेक्टली अप्रोप्रिएट फॉर एवरीबडी आउट देयर, बट अगेन इट डिपेंड्स। मान लो आप मैथ्स में अच्छे हो, आप बड़े कॉन्फिडेंट हो, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी रही है स्कूल टाइम से, तो आप मैथ्स में टाइम दे सकते हो, है ना। आपको जीके में इंटरेस्ट है, आपने जीके पढ़ती हुई, आप साइड बाय साइड न्यूज पेपर्स एंड ऑल पढ़ते रहते हो, तो बिल्कुल आप जीके को टाइम दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आप उसमें गेन कर सकते हो। बट मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी एक सब्जेक्ट को इतना टाइम मत देना कि आप दूसरे सब्जेक्ट को कम अटेंशन दे पाओ, क्योंकि वो जिसको आप कम अटेंशन दे रहे हो वो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकता है। आप जो आपको स्टडी मटेरियल ठीक लगे आप उससे पढ़ लो, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो तो लिमिटेड है, आपको वो टॉपिक जहां भी मिल जाए, आपको नहीं उससे पढ़ना है, आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो पर्टिकुलर टॉपिक का नाम डालो आप उससे पढ़ लो, कुछ भी कर लो। मेन जो मुझे लगता है कि जो आपको करना चाहिए वो आपको करने चाहिए PYQ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। ये तो मतलब आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं DSSB में, तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को अपना आधार बना सकते हो अपनी पढ़ाई करने में, अपनी प्रिपरेशन करने में। और अगर आप प्रिपेयर करने के लिए कोई साइन ढूंढ रहे हैं तो कंसीडर दिस इज योर साइन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली। और फिर जैसे ही आपके पार्ट ए के 100 क्वेश्चन खत्म होंगे आपका खुल जाएगा पार्ट बी। पार्ट बी तो आपको पता ही। दो चीजें इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगी जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहली चीज एक्यूरेसी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चीज जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लर्न टू स्किप। क्योंकि जब आप सेक्शन ए खोलोगे, है ना, मान लो आपने ये खोला, ये क्वेश्चन आपको कोई रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, आपको कुछ करना पड़ रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन है, आपको नहीं हो रहा है, बट आप लगे पढ़ो भाई साहब बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो लर्न टू स्किप, ये जो पॉइंट है ये इसके लिए बना है कि आपको नहीं आ रहा है, आपने टाइम देखा, मेरे 10 मिनट खत्म हो गए, मैं सोच के आई थी मैं इसमें 10 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगी, उसको स्किप कर दूं।
एक मिनट ले लो, चीजें बस एनालाइज कर लो, स्किप कर दो। ये वाली चीज आपको बिल्कुल स्ट्रांगली अपने दिमाग में बैठा के जानी है। मुझे पता है मुझे रीजनिंग को 12 मिनट देने हैं, 12 से 13 दे देना, बट 13 से 15 मत करना। लर्न टू से नो टू दीज क्वेश्चंस जो हमको नहीं आ रहे हैं, उनको ना बोल दो भाई। वो ना बोलना हमें एग्जाम्स के हाँ में रखेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, ये आप अपनी प्रैक्टिस में भी ऐड करते चलिएगा। सेक्शन ए किया है ना, 12-15 मिनट जो भी आपने सोचा हुआ था, आपने जो भी टाइम लिया, उसके बाद आप एक मिनट एक्स्ट्रा आप इसको दे दीजिए, आधे से एक मिनट, जिसमें आपने वो क्वेश्चंस आपने नहीं अटेम्प्ट किए उसको आप दोबारा देखिए। मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, मुझे नहीं आया, 15 मैंने अटेम्प्ट किए, तो आप लास्ट में एक मिनट लीजिए, ऑलमोस्ट एक मिनट, उस एक मिनट में आप उन 5 क्वेश्चन को देखिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक बार पढ़ने से हमें चीजें नहीं आती, बट जब हम उस चीज को दोबारा पढ़ेंगे तो उस 5 में से भी मुझे लगता है 2 क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आप आधा से एक मिनट लीजिए, और जो भी आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो भी अटेम्प्ट कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर DSSSB प्रिपरेशन। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए और बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।